देश के बजट के बाद अपने घर और रसोई का बजट भी ठीक करने के लिए आइए शक्ति कैंटीन स्टोर यूनियन बैंक के सामने कुंड रोड बहरोड। हमारे यहाँ एक ही छत के नीचे मिलता है हर एक वो सामान जो है आपकी जरूरत का, और वो भी 50% की छूट तक। तो अब देर किस बात की, चले आइए शक्ति कैंटीन, आपको सिर्फ बचत ही नहीं महा बचत होगी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रात 24। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने मिडवे पर बिजली और जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ लगभग 1 घंटे तक बैठक की और क्षेत्र में चल रही बिजली कटौती और पानी की समस्या के समाधान के लिए विस्तृत चर्चा भी की। पिछले कई दिनों से पूरे राजस्थान में बिजली के ऐसा क्राइसिस चल रखा है। लोड सेटिंग जयपुर से आती है, लोड सेटिंग उसके नाम पे 7-7 घंटे 8-8 घंटे पूरे राजस्थान में बिजली की कटौती हो रही है। मैंने सरकार में भी बात की, बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से भी बात की, मैंने उनको भी अपना सुझाव दिया था कि ये क्राइसिस है, इसको कैसे क्या मैनेज अपन कर सकते हैं। और मैं अपेक्षा भी रखता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करके और मुख्यमंत्री जी बैठ करके जो कोयले की सप्लाई कम हो रही हमारे राजस्थान को वो पूरी हो पाएगी, लेकिन तब तक के लिए ये तय हुआ है। आज बिजली विभाग के अधिकारियों को भी कहा मैंने, सभी को हमारे यहाँ के भैरोड नीमराणा के सभी को बुलाया कि जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियाँ हैं, तो जो फैक्ट्री है जैसे कंटिन्यू चलने वाली कि जिसमें भट्टियाँ वगैरह होती हैं लोहे की, ये चीज़ स्टील की जो फैक्ट्री होती है वो ठंडी हो जाती है, उनको बंद नहीं किया जा सकता। उसके अलावा लगभग 1500 किलोवाट जिस फैक्ट्री के ऊपर लोड है, मैंने सुझाव दिया उन फैक्ट्रियों को अगर हम बंद कर लेते हैं तो मेरे यहाँ पे ऐसी 50 इंडस्ट्री हैं, उनको बंद करने के बाद जो इवनिंग में हम उनको 6:30 से या 6 से 11 बजे तक उनमें कटौती कर लेते हैं, तो जो रूरल एरिया में गाँव की लाइट हम काटते हैं, लोड सेटिंग आता है और 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कई बार लाइट कट जाती है, उसको हम कम कर पाएंगे। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु आज ही नामांकन करवाएं आपके अपने विद्यालय कमला पब्लिक स्कूल में। सुपर फैकल्टी, सुपर रिजल्ट, KPS साइंस क्लासेस, हिंदी इंग्लिश मीडियम, प्ले टू 12th साइंस एंड कॉमर्स, 11वीं और 12वीं हिंदी मीडियम, आधुनिक क्लासरूम, CCTV कैमरों से युक्त कंप्यूटर रूम, केमिस्ट्री बायो लैब और साथ ही लाइब्रेरी सुविधा, ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कमला पब्लिक स्कूल बहरोड। कल भाजपा द्वारा अलवर के शहीद स्मारक पर राजस्थान सरकार की नीतियों और राजगढ़ में तोड़े गए मंदिरों के विरोध में एक प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जानकारी सांसद महंत बालकनाथ ने दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। हिंदू विरोधी राजस्थान सरकार द्वारा हिंदू संस्थाओं पर कठोराघात एवं सनातन परंपराओं के प्रति किए जा रहे द्वेषपूर्ण व्यवहार को यह सरकार निरंतर संचालित कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले अलवर जिले स्थित राजगढ़ तहसील में हमारे पौराणिक धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को इस सरकार ने किस प्रकार से अमर्यादित रूप से उनको तोड़ा है,
और हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा को अपमानित किया है। इसके विरोध में अलवर के सर्व समाज ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। यह विरोध प्रदर्शन 27 अप्रैल 2022 को कंपनी बाग स्थित इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मेरा आप सबसे निवेदन है और विशेषकर भारतवर्ष के सभी संत महापुरुषों से, संत समाज से मेरा निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। इसी के साथ साथ में अलवर स्थित समस्त देशवासी धर्मपरायण जनता से भी मेरा निवेदन है कि आप भी सभी बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे और सरकार से इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जिन लोगों ने ये कर्तव्य किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही मंदिर का पुनर्निर्माण हो। इस भाव से हम सब अलवर वासियों ने, समस्त अलवर के समाज के लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि समस्त हिंदू परायण हमारी भारतवर्ष की जनता इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचकर इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाए और भविष्य में ये राजस्थान की सरकार कोई भी ऐसा कर्तव्य हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने के भाव से न करे। इस भाव से हम सबको मिलकर इस सरकार को इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी एकजुटता का और अपने आने वाले समय में हिंदू रक्षा का, हमारे समाज की रक्षा का, अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग की रक्षा, धर्म चाहे किसी का भी हो, हर धर्म की रक्षा होनी चाहिए। उस भाव से किसी भी धर्म का अनादर नहीं होना चाहिए। उस भाव से हम सबको इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाना है। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरूड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा, चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड बहरोड, प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, जागवास वाले। बहरोड के अलवर रोड स्थित CSD कैंटीन में इस माह की शराब नहीं आने से भूतपूर्व सैनिक खपा हो गए। पूर्व सैनिक कैंटीन के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए जल्द समस्या का समाधान करने की बात भी कही। सैनिकों ने यहां तक कह दिया कि समय पर शराब सप्लाई नहीं हुई तो हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। अलवर के मिलिट्री एरिया राजवट में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। तेज हवा चलने के कारण आग ने उग्र रूप धारण कर लिया जिसके चलते आग लंबे क्षेत्र में फैल गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन रात होने के कारण फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आग बुझाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। GPS स्कूल भगवाड़ी, CBSE प्ले ग्रुप 2-10, एडमिशन ओपन, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, हाईटेक कंप्यूटर लैब, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, साइंस लैब, सर्वश्रेष्ठ हाई एजुकेटेड स्टाफ, सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम। GPS स्कूल नारनोल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। संपर्क करें चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। अलवर में रैन बसेरी की सफाई कर्मचारी ने 10 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में ताला लगा दिया। सफाई कर्मचारी ने बताया कि वह 3 साल से रैन बसेरी में काम कर रहा है, लेकिन विगत 10 माह से उसे वेतन नहीं मिल रहा। कर्मचारी ने बताया कि साल भर में 3 सभापति और 3 आयुक्त बदले जा चुके हैं और सभी को उन्होंने अपना दुखड़ा भी सुनाया, लेकिन किसी ने उसकी व्यथा पर ध्यान नहीं दिया। सर, समस्या यह है सर, मेरे को यहाँ पर पेमेंट नहीं मिल रहा सर। मेरे को 10 महीने हो गए हैं, 5 दिन बाद 11 महीना हो जाएगा सर। ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में बोलते हैं कि कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं। हम 3-3 कमिश्नरों के पास हुआ, जाके बोल भी आए, उनसे कह भी आए, इतना सब कुछ कर आए सर। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ सर। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी रैन बसेरे में आत्महत्या कर लूँगा। आपको बता रहा हूँ सर, मैं हाथ जोड़ के सर। मैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ सर। RPS स्कूल जखराना, CBSE एडमिशन ओपन, तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त, जहाँ अपने नौ निहालों के सपने होते हैं पूरे। बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिजल्ट, राजस्थान ITI ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रीशियन, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आफ्टर BA, BSc, BCom, राजस्थान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इंटरग्रेटेड ऑफ आफ्टर
नगर 10+2 RPS PG कॉलेज BA BSc and MA हिंदी राजनीतिक विज्ञान एवं भूगोल चेयरमैन एडवोकेट राजकुमार यादव। अलवर के वार्ड नंबर 25 के पार्षद लोचन यादव ने अपने वार्ड में पानी की समस्या के चलते यशवंत स्कूल के जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़ गए। उन्होंने बताया कि वार्ड में 3 फेज की बोरिंग लंबे समय से खराब चल रही है। जलदाय विभाग से लेकर प्रशासनिक आला अधिकारियों को इस संबंध में सूचित भी किया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और पार्षद को समझाए, इसके बाद नीचे उतारा। आपका वार्ड नंबर 25 से पार्षद लोचन यादव, आज आप टंकी पे क्यों चढ़े? भाई वार्ड 25 में जो दो बोरिंग है, 3 फेज बोरिंग, वो पिछले एक महीने से खराब चल रही है। इसके लिए मैंने SC साहब को, SC साहब को, सबको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, धरना भी दिया। इसके बाद जब वहाँ से सुनवाई नहीं हुई तो मैं कलेक्टर साहब, SDM साहब, सबसे मिला। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि मंडे को जो वीकली मीटिंग होती है वाटर वर्क्स ऑफिसर्स के साथ, उसमें आपकी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। लेकिन मंडे का टाइम भी निकल चुका, तो आज मैंने अपने मोहल्ले के वार्डवासी बहुत परेशान थे, तो उनके साथ लेके मैं टंकी पे चढ़ने का मैंने ये काम किया है। कब तक आप नीचे उतरोगे? जब तक मेरे वार्ड की जो 3 फेज बोरिंग है दोनों, उसमें पिछले एक महीने से ठेकेदार अभी गारंटी अवधि में है, और जो ठेकेदार है लीपा पोती करके वही मोटर को बिना रिपेयर के, बिना मेंटेनेंस किए उसी मोटर को बार बार डाल रहा है, तो पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। जब तक उसमें वो नई मोटर या ज्यादा पावर की, मतलब मुझे पानी का आउटपुट चाहिए जो पूरा वार्ड पानी से सेटिस्फाई हो जाए, उसके लिए मोटर डाल देगा, मैं अपने यहाँ से उतर जाऊँ। पहले भी सैनी समाज द्वारा अलवर के कंपनी बाग में 28 तारीख को महापंचायत को लेकर एक निजी होटल में सैनी समाज के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। महापंचायत में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। इस महापंचायत से समाज की अनेक मांगों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सैनी समाज उत्थान महापंचायत दिनांक 28 तारीख को अलवर में की जा रही है। उसका मुख्य उद्देश्य सरकार से 11 सूत्री मांग समाज करती है, और उस मांग का जिला स्तर से जो कार्यक्रम रखा गया है वो प्रथम कार्यक्रम अलवर में है। हम लोग कंपनी बाग में इकट्ठे होंगे, हम वहाँ पर हम आपसे चर्चा करेंगे। उसके पश्चात जिलाधीश महोदय के द्वारा हम जो ज्ञापन देंगे वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम देंगे। और आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।